दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस चीज़ को बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बात करेंगे, प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस होता क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू। उसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, ना कि कोई डेफिनेशन से। ठीक है, आपने देखा होगा ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नाम सुना होगा आपने। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि एक बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी जब खरीदारी करते हैं तो बायर और सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्टनरशिप आपने सुनी होगी, तो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीड होती है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी कि एग्रीमेंट होता है दो बंदों के बीच में। वैसे ही एक होता है इंश्योरर, ठीक है, एक होता है इंश्योर्ड, ठीक है, दो नाम है। इंश्योरर होता है यानी कि कोई इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड होता है कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योरर क्या करता है, इंश्योर्ड को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए, यानी कि इंश्योर्ड की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे उसका घर हो सकता है, उसकी बाइक हो सकती है, उसकी कार हो सकती है, या फिर ये खुद भी हो सकता है। तो वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉपर्टी की या फिर कि अपने ही खुद की लॉस के लिए, कि उसको फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है, उसको लॉस हो सकता है, रिस्क है, उस लॉस की भरपाई हो जाए किस तरह से। तो उसके लिए इंश्योरर इंश्योर्ड को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा कोई भी लॉस का खतरे को बचाने के लिए, जो लॉस हो जाएगा इसको एट द टाइम कोई भी बैड इवेंट के, अनसर्टेन इवेंट्स के साथ। अब वो कोई भी हो सकता है, और उसी के बदले में इंश्योर्ड उसको कुछ पैसे दे देगा। ठीक है, कुछ पैसे दे देगा रेगुलर बेसिस पे। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड, जिसमें इंश्योरर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योर्ड को अगेंस्ट द कोई भी प्रॉपर्टी पे उसको लॉस हो सकता है, उसके बदले में इंश्योरर उसको पैसे दे देगा, और इंश्योर्ड जो है उसके बदले में सो कुछ मनी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और इस मनी को कहते हैं हम प्रीमियम, इंश्योरेंस की भाषा में, और इसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को कहते हैं हम क्लेम। अब ये कोई इंश्योरर ऐसे प्रोवाइड नहीं कर देगा क्लेम, कुछ शर्तों के आधार पे होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें उसके आधार पे ही, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी लॉस पे क्लेम मिल जाएगा। बहुत चीज़ें तय होगी, पूरी पॉलिसी होगी कि आपका इन इन इवेंट अगर आपके लॉस होगा तभी आपको क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, सब चीज़ें उसमें तय होती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में एक इंश्योरर क्या क्या करता है, इंश्योरर जो है आप बहुत सारे बंदों को अपनी ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी भेज देता है, बहुत सारे बंदों को, बहुत सारे बंदों को, एक नहीं बल्कि लाखों हजारों बंदों को इंश्योरेंस पॉलिसी भेज देता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम जो होता है वो कम होता है। आपने देखा होगा कि हमेशा प्रीमियम जो है, प्रीमियम हमेशा कम होता है क्लेम से, हमेशा क्लेम ज़्यादा होता है। अगर आप बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हो तो बाइक का प्रीमियम तो कम देना पड़ता है आपको, लेकिन अगर आपको बाइक का नुकसान हो गया तो क्लेम ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा कैसे होगा फिर? तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा ऐसे होता है कि वो क्या करती है, बहुत सारे अपने अपने क्लाइंट्स को इंश्योरेंस बेच देती है। उससे बदले में क्या होता है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा उसके आ जाता है, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, हज़ारों बंदों से प्रीमियम आएगा, लेकिन क्लेम तो कम आएगा ना, क्लेम बहुत कम आता है, प्रीमियम ज़्यादा इकट्ठे होता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा ऐसे पैसा कमाती है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम से, और ये यहीं से उसकी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लेम तो आप बहुत कम लेते होगे, क्लेम बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारे बंदों से, जितने ज़्यादा बंदे से इंश्योरेंस बेचेगी उतना ही ज़्यादा कमाएगी इंश्योरेंस कंपनी,
तो ये होता है इंश्योरेंस। एक भाषा में, एक लाइन में अगर मैं कहूँ इंश्योरेंस को, टू हेज द रिस्क ऑफ लॉस, एक भाषा में, ठीक है, एक लाइन में, इससे बढ़िया कोई लाइन मेरे हिसाब से हो सकती इंश्योरेंस के लिए। हैज मतलब होता है रिस्क को दबाना, ठीक है, रिस्क को दबाना, खत्म करना उसको, या उसके बदले में कुछ मिल जाना, उसे हम कहते हैं हैज। तो टू हैज द रिस्क ऑफ लॉस इज इंश्योरेंस, यानी कि किसी भी नुकसान के खतरे को बचाने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। किसी भी नुकसान के खतरे को बचाने के लिए उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। कोई भी नुकसान हो, आपकी जिंदगी खर्चे, जिंदगी का नुकसान है कि भाई जिंदगी अगर चलेगी तो भाई तो बहुत दिक्कत आ जाएगी मेरे घर वालों को, तो आपने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। आपको दिक्कत है कि मेरे कार अगर नुकसान हो गया तो मेरा फिर क्या होगा, पैसे कौन देगा मेरे को उस कार के, तो आपने कार का इंश्योरेंस करा दिया। आपको दिक्कत है कि मेरे बाइक में अगर किसी दिन तबाह होगी, कुछ डैमेज हो गया उसको, तो वो खर्चा का क्या कौन देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं हम देगी, तो बाइक इंश्योरेंस हो गया। तो ऐसे कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, हर टाइप के होते हैं, तो हर टाइप के अलग अलग क्लेम भी होते हैं, प्रीमियम भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि जब लोग के खतरे अलग अलग होंगे तो प्रीमियम अलग अलग होगा, क्लेम भी अलग अलग होगा, ठीक है, हर तरीके का अलग अलग होता है। एक चीज़ आपको और समझनी होगी इसमें कि वो है एक तो ओनरशिप। जब भी आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप अगर आप बाइक का इंश्योरेंस कर ले मान लो, तो जो बाइक है वो आपकी ही होनी चाहिए ना, ठीक है, आपको नुकसान अगर होगा तो इसका मतलब बाइक आपकी है। अगर आपकी ओनरशिप बाइक पे है ही नहीं, तो वो नुकसान फिर होगा आपको, तो आप क्लेम लेने जा रहे हो, ठीक है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, सब कुछ हो गया, लेकिन ओनरशिप ही नहीं आपके पास तो उस प्रॉपर्टी की जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो इंश्योरेंस होगा किस बात का। तो इसीलिए आपकी ओनरशिप उस चीज़ पे होनी चाहिए जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप कार का करा रहे हो तो कार की इंश्योरेंस होता है, कार की ओनरशिप होती है। तो ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का कि ओनरशिप यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करा रहे हो। और आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि आप कम से कम लॉस हो, ये नहीं कि आप ज़्यादा ज़्यादा लॉस हो तब आप इंश्योरेंस करा रहे हो, है ना, ये एक प्रिंसिपल है। और इस चीज़ को, प्रिंसिपल को हम समझते हैं अभी, तब तक के लिए इस चीज़ को हमने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंश्योरेंस के बारे में पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ी सी प्रिंसिपल्स के बारे में, है फंडामेंटल्स इंश्योरेंस, जैसे मैं कहता डायग्राम में कि ऐसा अगर आप डायग्राम बनाते हैं, अगर आपके पेपर में मान लो कि अगर पेपर है बीकॉम में, तो अगर आपका ऐसा इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप इसको बीच में ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है ये। एक और चीज़ इंश्योरेंस में आपको बताना भूल गया, वो है कि एक ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, वैसे ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो भी अपने रिस्क लॉस को बचाने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है। जैसे कि शेयर के जो प्राइस होते हैं वो घट गए, बढ़ गए, उसकी वजह से जो आपको लॉस होता है, उस लॉस को बचाने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ताकि मुझे लॉस कम से कम हो। तो वो भी एक तरह का इंश्योरेंस ही है ना, ताकि लॉस जो कम से कम हो वो भी एक तरह का इंश्योरेंस ही है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस ही बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले कि रिलायबिलिटी है, बहुत ही रिलायबल है, क्योंकि हम इसे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अनसर्टिनिटी इवेंट को ख़त्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है जो फ्यूचर में हो सकते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें, रिस्क को पूल कर देते हैं, जैसे बताया ना आपको, मैं बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को, बहुत सारी इंश्योरेंस सॉरी अपने बेच देती है बहुत जगह वो, तो वो रिस्क को इकट्ठा कर देती है, तो इसे हम कहते हैं पूलिंग ऑफ रिस्क। ये बहुत, ये ऐसा काम करती है कि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देती है, तो अपन बहुत सारे रिस्क इकट्ठा करती है, वहीं से ही इसका काम चलता है। लीगल रिक्वायरमेंट पूरी भी कर देती है ये इंश्योरेंस, ताकि जैसे कि बाइक का इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा, फायर का इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ जगह पर होता है आपको कराना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी हेल्पफुल होती है। कैपिटल फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है, प्रीमियम से होती है, बहुत सारे प्रीमियम इकट्ठा करती है, तो वहीं से कैपिटल फॉर्मेशन होती है इसकी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। ये गुड फेथ ना के चलना पड़ता है यहाँ पर, एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इसमें, तो वो डिस्कस करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को इसके साथ, वरना बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें ये भी केस कर सकता है इस पर, ठीक है, ये भी केस कर सकती है इस पर। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टीज को सब कुछ रेलिवेंट जितने भी फैक्ट्स है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, खोल कर रखना पड़ेगा,
इसको अपने कागजात जितने भी है उसके वो खोल के रखने पड़ेंगे। उसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जैसे बताया कि कुछ राइट्स होने चाहिए इसके, जो भी इंश्योर जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रही है प्रॉपर्टी का किसी भी चीज़ का, तो उसके राइट्स इसके पास होने चाहिए, ओनरशिप इसके होनी चाहिए। और उसके बाद है इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस। इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अपने लॉसेस जब होगा तो उसको इंडिमिनिफाई कर देना, यानी कि कंपनसेशन पे कर देना, भुगतान कर देना, वो होता है इंश्योरेंस। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता इंडिविटी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है लाइफ जिंदगी की कीमत पैसे के साथ आप कभी भी जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जिंदगी की कीमत कितनी है, लॉस कितना हुआ इसका। लेकिन यहाँ पर लॉस गिना जाता है, ठीक है, बाकी में लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के हर एक में लॉस गिना जाता है, उसके बाद ही क्लेम डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, क्लेम पहले से सेटल होगा कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। फिर है सबरोगेशन। सबरोगेशन प्रिंसिपल है जिसमें क्या होता है कि जब लॉस हो जाता है और क्लेम मिल जाता है इंश्योर्ड को, तो उससे होता क्या है बाद में जो इतने भी उसके राइट्स है उस प्रॉपर्टी के, वो सब बाद में ट्रांसफ़र होने ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पे। क्योंकि अब इसके लॉस हो चुके हैं, क्लेम भी ले चुका है ये, तो इसका मतलब अब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के राइट्स हैं वो सब उस पर चले जाएंगे, ठीक है, बाद में सारे के सारे राइट्स भी चल जाएगी, क्योंकि अब उसकी हो चुकी है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी की, क्योंकि क्लेम ले चुका है ये। तो इसीलिए बाद में सबरोगेशन होता है, ज़रूरी है कि क्लेम के बाद राइट्स सारे के सारे इंश्योरर को ट्रांसफ़र होने चाहिए, ये प्रिंसिपल है। कंट्रीब्यूशन एक प्रिंसिपल है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे कभी कभार इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि एक इंडिविजुअल को इंश्योरेंस करवा रखती है, प्रोवाइड करती है। तो उससे होता क्या है कि कभी कभार इसमें कंट्रीब्यूशन यानी कि शेयर आपको देना पड़ता है बहुत सारे इंश्योरेंस को, जैसे कि तीन इंश्योरेंस कंपनी है एक इंडिविजुअल को दे रही है, तो उससे होता क्या है कि अपना अपना शेयर बांट देती है कि मैं इतना दूंगी, ठीक है, मान लो कि 2:3:5 में देगी एक एक क्लेम, तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि अपना शेयर देगी उस हिसाब से। अगर किसी एक बंदे ने सारा का सारा दे दिया क्लेम तो फिर तो शेयर का मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि शेयर अपना देना जरूरी है जब ऐसे बहुत सारे इंश्योरर होते हैं। तो एक है लास्ट में नहीं, थोड़ा सेकंड लास्ट है, वो है प्रॉक्सिमिटी केस, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी कॉज होना चाहिए। कोई भी इंश्योरेंस जो कंपनी में जब भी वो इंश्योर क्लेम देती है, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत सारे देखते हैं इवेंट्स पे किन इन इवेंट पे इनका लॉस हुआ है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे सारे डिस्कस करती है कि इन इन इवेंट पे ही लॉस होना चाहिए तभी आपको क्लेम मिलेगा, और उसके आसपास ही होना चाहिए, अगर कोई बाहर का है लॉस उसके आसपास ही होना चाहिए, जैसे कि गाड़ी के नीचे कोई मर गया या फिर उसके आसपास ही होना चाहिए, तो वो वहीं से ही आपका क्लेम डिसाइड होगा, वहीं पे ही मिलेगा जो कि पॉलिसी में डिसाइड हो, बाकियों में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लॉस मिनिमाइजेशन, जैसे बताया कि आपको लॉस मिनिमाइज करना ज़रूरी है, यानी कि इंडिविजुअल को भी इंश्योरेंस करा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि बस क्लेम मिल जाए इसलिए इंश्योरेंस करा रहा है, वो यही कोशिश करेगा कि लॉस कम से कम हो, पैसा कम से कम, यहाँ पर नुकसान कम से कम हो, यही कोशिश करेगा हमेशा। तो इसी को ही हम कहते हैं इंश्योरेंस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊँ रिस्क मैनेजमेंट जो होता है इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे, और इसके व्यू पर और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।